नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज निकल के आ रही है, और ये न्यूज कहां से आई है? ये न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जो भोपाल और इंदौर के बीच में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहीं से ये न्यूज निकल के आ रही है। आपको मालूम होगा कि पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे मेट्रो आज के टाइम पे भी चल रही है, जैसे कि जयपुर मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, यूपी मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, और आप कहोगे मुंबई मेट्रो। वैसे ही एमपी स्टेट में भी एक मेट्रो का प्रोजेक्ट बिछाई जा रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुई है, अभी मेट्रो चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, और आपके लिए एक प्यारा सा रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, और वो नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, आई थिंक 2 मई 2023 से फॉर्म अप्लाई करना उसका स्टार्ट डेट था, और लास्ट डेट था 28 मई 2023 तक उसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। अभी देखिए ये वैकेंसी फिर से आ चुकी है, और इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या अलग है ना। इस बार है जो ओपन डेट है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो 31/7/2023 से फॉर्म अप्लाई होगा, और लास्ट डेट जो रखा गया है, क्लोजिंग डेट, वो है 31 अगस्त 2023 तक फॉर्म अप्लाई होना है ना। सारी चीजों पर बात करेंगे, जैसे कि पे स्केल क्या है, ग्रेड कितना मिलेगा, एज लिमिट क्या है ना, और पे स्केल क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों पर बात करने वाले हैं, और वैकेंसी कितना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो देखिए किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले बात देखा जाए तो सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी, टोटल 26 पदों पर वैकेंसी है, और 33,000 से लेकर के इसमें 1,00,000 रुपए तक आपको सैलरी, बेसिक की बात कही जा रही है, इतना मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियर, यानी कि बैचलर डिग्री हो, डिप्लोमा आपका हो, और बीएससी ऑनर्स से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ में अगला देखा जाए तो यहाँ पर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए वैकेंसी है, टोटल 7 पदों पर, और इसमें 3 ईयर इंजीनियर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल है ना। अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको 3 ही चीज दिखाई देगी कि भाई जो टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक के लिए। ठीक, अगला देखा जाए इसमें, जब अगला देखा जाए तो मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर्स का आईटी होना चाहिए, 10वीं और 2 साल का आईटी होना चाहिए, एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से हो। यहाँ पर ट्रेड बोला गया है कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, इतने ट्रेड से, इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटी किया है, चाहे एससीबीटी से चाहे एनसीबीटी से, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सुपरवाइजर ट्रैक्शन के लिए देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मेंटेनेंस ई एंड एम के लिए, तो टोटल 8 पदों पर वैकेंसी है, 3 ईयर का इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगी गई है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पोस्ट के लिए है ना। देन वहीं पर देखा जाए तो मेंटेनर ट्रैक्शन के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। आप अपना सुनते रहिए कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है ना। यहाँ पर टोटल 9 पदों को रिलीज किया गया है, मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर का आईटी होना चाहिए, एनसीबीटी से या एससीबीटी से, ट्रेड वही रखा गया है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स, अगर इसमें से आपका आईटी है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे है ना। तो ये रहा आपका टोटल की कितने पदों पर वैकेंसी है और कौन कौन से विद्यार्थी है जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर थोड़ा सा आगे हम चले और हम यहाँ पर डिस्कस कर ले, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए कई बार कमेंट आता है कि सर क्या अपीयरिंग वाले विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। अपीयरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर कोई आपने कोई टेक्निकल डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, तो क्या आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, आप लास्ट ईयर चल रहा है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग आर वेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप अपेयरिंग में है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए एक चीज मैं और आपका क्लियर करना चाहूंगा कि इस थर्ड वाले पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड आर हायर क्वालिफिकेशन इन
हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस और आईटीआई वेयर आईटीआई इज मेंशनड। इसका मतलब है कि अगर जो आईटीआई के बेस पर वैकेंसी निकली हुई है ना, उस पे ना ही कोई बैचलर डिग्री वाला, ना ही डिप्लोमा डिग्री वाला और ना ही बीएससी वाला कोई फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। लेकिन जो डिप्लोमा बेस पर वैकेंसी निकली हुई है उस पे डिप्लोमा वाला एक फॉर्म भरेगा, उसमें बैचलर डिग्री वाला भी फॉर्म भर सकता है ना। तो एक चीज यहां से आपका जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा एज लिमिट पर बात कर लेते हैं, है ना। तो सुनिए एज लिमिट यहां पर क्या रखा गया है कि मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स रखा गया है और 1 जुलाई 2023 से इसका काउंटिंग किया जाएगा, इसका गणना किया जाएगा। वहीं पर रिलैक्सेशन थोड़ा सा देखा जाए तो ओबीसी वाले जो विद्यार्थी है उनको रिलैक्सेशन इसमें अधिक मिला है, है ना। एसटी एससी के है तो 5 वर्ष का, ओबीसी के है तो भी आपको 5 वर्ष का ही एज में रिलैक्सेशन। आप इसमें मैक्सिमम 28 में अपना 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी ऐड कर लीजिए। अगर आपका कंप्लीट होता है एज में, मतलब ओवर एज नहीं होता है, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, है ना। वहीं पर थोड़ा सा मैं और आपको दिखा दूं, यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन वगैरह है ये सब हमने देख ही लिया, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज चलिए देखते हैं, है ना। एग्जाम जो है यहाँ पर इसको समझिएगा, यदि आपने सुपरवाइजर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, साथ में सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और साथ में फिर वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। यदि आप रेलवे की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट आपका होना ही होना है। फिर वहीं पर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए तो आपका केवल सीबीटी एग्जाम होगा। अगर आप मेंटेनर सिग्नलिंग के लिए तो आपका केवल सीबीटी एग्जाम होगा। सुपरवाइजर ट्रैक्शन के लिए भी सीबीटी एग्जाम है, मेंटेनर ट्रैक्शन के लिए भी केवल और केवल सीबीटी आपका सिंगल एग्जाम देना होगा, है ना। आप केवल सिंगल एग्जाम देंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल मेरी लिस्ट पे नाम आ जाएगी, है ना। और अप्लाई वगैरह कब से करना है ये डेट तो मैंने बता ही दिया आपको, कब से कब तक अप्लाई करना है, यानी कि टोटल 1 महीने तक इसमें फॉर्म अप्लाई करने का डेट दे रखा है। अब यहां पर देखिए कि आपका एग्जाम सिटी कहां कहां पर रखा गया है, तो एग्जाम सिटी वही रखा गया है इसमें जहां से ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ये वैकेंसी एमपी की है तो टोटल एमपी में देखिए, इंदौर में, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में यहां पर एग्जामिनेशन सिटी रखा गया है। लेकिन आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो केवल 3 ही सिटी को आप चूज कर पाएंगे, है ना। यहां पर लिखा गया देखिए कि 4 3 एग्जामिनेशन सिटी, केवल 3 सिटी को ही आप यहां पर चूज कर सकते हैं, और जो आपके पास में पड़ता है आप उसको चूज कर लीजिए। और दूसरी बात कि कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहली बात देखिए कि ये भले ही एमपी की वैकेंसी है लेकिन मेट्रो रेल एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो केवल और केवल राज्य या फिर स्टेट से नहीं चलता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का एक कंबाइंड वेंचर होता है। और ये वैकेंसी में भी, इस वैकेंसी में भी आप चाहे किसी भी स्टेट के हो फॉर्म को अप्लाई जरूर कर पाएंगे। हाँ, अनरिजर्व में काउंट होंगे आप, है ना। बस फर्क इतना सा है, अनरिजर्व में काउंट होंगे। अगर आप अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं तो फिर आप चाहे एसटी के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के हैं, आपका फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो 590 रुपए ही लगेगा, है ना। अगर आप अपने एमपी के हैं, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के, तो 295 रुपए, इसमें इंक्लूडिंग किया गया है जीएसटी को भी। और जनरल और ओबीसी के हैं तो 590 रुपए आपका फॉर्म अप्लाई करने का फीस रखा गया है, है ना। और इसमें सिलेबस वगैरह क्या है तो ये भी थोड़ा सा देखिए। सिलेबस के बारे में हम बात करें तो सिलेबस देखिए, 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना। रेलवे कभी ऑफलाइन एग्जाम लेती नहीं है तो ऑनलाइन एग्जाम होना है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेलवे में चाहे आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, चाहे मेट्रो रेल वाली वैकेंसी हो, आपको यहाँ पर एक चीज जरूर दिखेगा कि भाई निगेटिव मार्क है, 1/3 का निगेटिव मार्क है, यानी कि 0.25% का निगेटिव मार्क भी यहाँ पर रखी गई है, है ना। तो चलिए, और बाकी डिटेल्स देखिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सारे डिटेल्स आप तक पहुंच चुकी है। वैकेंसी बहुत ही प्यारी सी है, इसे फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये पूरी रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा ये रेगुलर वैकेंसी है। और इसमें कई सारे आपकी आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि रेलवे में मिलता है, और इसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी कई सारे सुविधाएं आपको मिलने वाली है, है ना। तो सारा कंप्लीट इस सेशन में हमने बात किया कि इस वैकेंसी का टोटल पैटर्न्स क्या था, एग्जाम पैटर्न्स, एज लिमिट, क्राइटेरिया, और चाहे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, सारी चीजों पर हमने बात कर लिया, है ना। चलिए अब यहां पर बात आती है कि सर आईटी हमने किया है लेकिन इसका सिलेबस हमें पता नहीं है। तो आईटी में देखिए, जो एक आईटी में सिलेबस जो होता है ना, एक तो
इसमें दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पहला तो नॉन टेक वाला रहेगा, एग्जाम तो एक ही होगा लेकिन इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक नॉन टेक का और दूसरा टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी कहां से पढ़े, है ना, बात ये समझ में आती है कि सर टेक्निकल एबिलिटी की तैयारी हम कहां से करें। तो टेक्निकल एबिलिटी की तैयारी आप खुद निमी टेक्निकल क्लासेस से ही कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एबिलिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, वो सारा चीज हम बताएंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन देंगे और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ना वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक, और उन्हें भी बताइए कि एमपी में भी वैकेंसियों का रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है और एमपी में भी वैकेंसी टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी है, है ना। चलिए अब एक और वैकेंसी का बच्चों को बहुत इंतजार है, वो है एमपीईबी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जो विद्युत विभाग की वैकेंसी होती है उसके लिए भी बच्चे बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। जो बच्चे आईटीआई किए हैं, जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं ना। तो चलिए वैकेंसी धीरे धीरे आ रही है और सारी वैकेंसी रिलीज होंगी, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।